of Kepler's second law. Our next topic is deduction of Kepler's second law. सेकेंड लॉ को डिड्यूस करेंगे आप, मतलब एक तरह से प्रूव करेंगे आप. ओके, तो डिडक्शन ऑफ केपलर सेकेंड लॉ पढ़ेंगे. सेकेंड लॉ क्या था, क्या था सेकेंड लॉ? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई भी प्लेनेट है वो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्वीप करता है. तो इसका मतलब क्या है, जो एरिया है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में. यानी कि एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. यही था ना सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब जो एरिया वाली वेलोसिटी है यानी कि डी ए अपॉन डी टी. ये क्या प्रूव करना आपको, मैथमेटिकली यू कैन से दिस आल्सो. इन तीनों का मतलब एक ही, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीज आपको प्रूव करनी है. डिडक्शन ऑफ केपलर सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ आपने ये प्रूव करना है. हाँ, इसके लिए कैसे करेंगे इसको प्रूव, प्रूव एंगुलर मोमेंटम. अगर आपको ध्यान है तो एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला आपने ड्राइव करा था, एल वेक्टर एल इज इक्वल टू 2m क्रॉस da अपॉन dt. ध्यान है ये फार्मूला, रोटेशन में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम को लेकर. l वेक्टर इज इक्वल टू 2m इंटू da अपॉन dt. आई होप सभी को ये ध्यान होगा, ठीक है. तो इसके अंदर जब कोई प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल of the sun on the planet, this force or pull acts along the linear joining the center of sun. Diagram से समझेंगे इसको. कैसे, कोई sun है, ये कोई planet है, इनकी line joining ये है, ठीक है. इसके चारों तरफ ये elliptical path में, elliptical orbit में घूमेगा, तो क्या होगा, force चलेगी. क्या चलेगी, force सन और प्लेनेट के बीच में. सन और प्लेनेट के बीच में प्लेनेट सन को अपनी तरफ खींचेगा, सन प्लेनेट को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है. तो जो ये सन से इधर फोर्स लगेगी, ठीक है, सन से प्लेनेट की तरफ फोर्स जाएगी. ओके, तो यहां पर देखिए, हेयर एफ इज सेंट्रल फोर्स और एंगल बिटवीन आर एंड एफ, R और F के बीच में जो एंगल होगा, R क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, डिस्टेंस, रेडियस एलिप्टिकल पाथ का. इस R और जो ये फोर्स लग रही है, देखो एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है. अभी क्या बात हो रही है, प्लेनेट ने सन के ऊपर जो फोर्स लगा रखी है, प्लेनेट सन की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो ये इस तरह से होगा, और रेडियस कहाँ है, सन से इस तरफ की तरफ है, तो R की वैल्यू आपकी कहां होगी, इस डायरेक्शन में. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री. कितना होगा, 180 डिग्री R और F के बीच में. और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F. किस कंडीशन की बात हो रही है, सन और प्लेनेट के बीच में, ठीक है. सेंट्रल फोर्स होती है, सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग की तरफ होगी, प्लेनेट टुवर्ड्स द सन अट्रैक्ट होगा फोर्स इस डायरेक्शन में, और रेडियस पोजीशन क्या ली गई है, यहां से यहां तक की डायरेक्शन में. सन से लेंगे ना, सन को रेफरेंस मानकर. ओके, ठीक है. तो इसको ओपन करिए, आर एफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री. थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री. 180 किसके इक्वल होता है, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो डिग्री जीरो, और साइन 180 भी क्या होता है, जीरो, सेम लाइन पर होते हैं, ठीक है. तो यहां से आर एफ इंटू जीरो
तो टाउ की वैल्यू जो आ गई आपकी, टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। कब? जब प्लेनेट टुवर्ड्स द सन, प्लेनेट किस तरफ चलेगा, टुवर्ड्स द सन, तब थीटा की वैल्यू क्या लेनी है आपने, 180। तो टाउ इज इक्वल टू जीरो आ गई। टाउ इज इक्वल टू जीरो आने का मतलब टाउ का एल के साथ कोई रिलेशन था, टाउ इज इक्वल टू क्या था रिलेशन, डीएल अपॉन टाउ इज इक्वल टू डीएल अपॉन एंगुलर मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ, किसका रेट, एंगुलर मोमेंटम का रेट, टाउ इज इक्वल टू डीएल अपॉन डीटी, था ना ये रिलेशन। तो यहां पर टाउ की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो डीएल अपॉन डीटी भी क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो कब होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एल जीरो होने का मतलब क्या हो गया, एल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, एल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। लेकिन एल की वैल्यू कितनी होती है, पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से 2m इंटू डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ये सारा कॉन्स्टेंट, m क्या है, मास कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो बच्चे का क्या डी ए बाई डी टी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल तो नहीं हो सकता। तो डी ए इस इक्वेशन से डी ए अपॉन डी टी भी क्या आ गया यहाँ से, कॉन्स्टेंट। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव कर। तो क्या देखा आपने इसमें, कैपलर सेकंड लॉ को प्रूव करना था। सेकंड लॉ में आपने पढ़ा था इक्वल एरिया स्वीप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल एरिया स्वेप्ट भी लिख सकते हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड कैसे बोल सकते हो, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या, कि कितने टाइम में वो कितना एरिया कवर कर रही है, स्वीप कर रही है, वो देखना है। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट। ये आपने प्रूव करना है, कैसे करा आपने, क्या करा, एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन लिया रोटेशन से, 2m इंटू डी ए बाय डी टी, उसके बाद टाउ का आपको रिलेशन लेना है, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस एफ। आपको पता है जब कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में, तो यहाँ पर उसका रेडियस और ये फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा, किसको, प्लेनेट को, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे जब आप, इसको आर एफ को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है आर एफ साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 180 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 180 जीरो। तो ये जीरो होगा तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जीरो। टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन था ये भी आपने रोटेशन में पढ़ा है, डीएल बाई डी टी, तो डीएल बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा। और अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होगा तो वो क्वांटिटी कैसी होगी, कॉन्स्टेंट। अगर एल कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ से, तो एल की वैल्यू क्या होती है, 2m into dA by dt, क्योंकि हमें तो dA by dt से मतलब है। तो हमने सारा वर्क किसके लिए करा था, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए, और एंगुलर मोमेंटम कैसा आ चुका है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट आ गया ये। तो 2m into dA by dt, ये तो सारे कॉन्स्टेंट ही थे, तो dA by dt भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो दिस इज हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वेक्टर फॉर्म, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वेक्टर फॉर्म, प्लस टू में भी यही। और आपको ये, अब जो ये आर्टिकल चलेंगे ना आपके, ये सारे प्लस टू के होंगे, इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसी तरह से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसके अंदर भी कूलम लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाएंगे वो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए, प्लस टू का स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा सब कुछ, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है उसमें भी फोर्स ही आएगा।
नोट करिए नेक्स्ट आर्टिकल, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दफ्तर कहाँ गया मेरा? वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझना इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। कोई दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, कैपिटल एम स्मॉल एम ऐसे लिखते हो, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट। ये बॉडी वन हो गई, ये बॉडी टू हो गई, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर, टू वाला वन के ऊपर फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को नाम दे दो एफ वन टू, क्या नाम दे दो एफ वन टू। ध्यान से एफ वन टू क्या है, ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, माइंड में रखना इस चीज। इसी तरह से ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा एफ टू वन, एफ टू वन वेक्टर, ये क्या होगा फोर्स ऑन टू बॉडी टू ड्यू टू बॉडी वन, ये ऑब्जेक्ट वन। दो ऑब्जेक्ट से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है इस तरह। इन दोनों के बीच का गैप, बहुत इन दोनों के बीच का गैप है आर, क्या है आर। अब आप लेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, क्या लेंगे पोजीशन वेक्टर। अगर कोई चीज यहां से यहां तक जाएगी तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आर वन टू, क्या आर वन टू क्या, ये यूनिट वेक्टर ले लिया आपने इसका, कि जो R12 है, जो ये मेरा डिस्टेंस है R, अगर मैं M से कैपिटल M से M की तरफ जाऊंगा तो दिस इज द वैल्यू, कितने किलोमीटर मीटर जाना है मेरे को और किस डायरेक्शन में जाना है R12, वन से टू वाली डायरेक्शन। इसी तरह से इधर से अगर दो से वन, मतलब दो से एक पे आना हो तो बॉडी टू से वन पर, तो यूनिट वेक्टर टू वन हेल्प करेगा कौन सा डिस्टेंस कवर करने में, आर डिस्टेंस कवर, कौन सा डिस्टेंस कवर करने में आर। यानी कि देखा जाए तो ये आर इंटू आर वन टू कैप, ये आपको देगा वेक्टर आर वन टू, और इसी तरह से आर आर टू वन कैप, ये आपको देगा वेक्टर आर टू वन कैप। और इन दोनों में कॉमन क्या चीज है आर, बट ये दोनों आपस में कैसे है नोट कर लीजिए। यहाँ पे R12 कैप और R21, इनमें ये बराबर है लेकिन दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों की वैल्यू 1 है, बट जो डिफरेंस है वो किसका है माइनस का, कि एक की डायरेक्शन इस तरफ है तो एक की डायरेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीजें इसकी देखनी आनी चाहिए, वेक्टर को ध्यान में रखकर, ये सब इस डायग का, ठीक है ओके चलो। अब यहां से जो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है उसमें आप लिखेंगे एफ वन टू वेक्टर, इसकी वैल्यू एफ वन टू वेक्टर। आर वन टू आर टू वन का पता लग गया है, वन से टू इस बॉडी से उस बॉडी की तरफ जाते हुए ये डायरेक्शन को दिखाएगा, टू वन का मतलब है टू से वन की तरफ, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो F12 न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाइए, G
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या लगता है आर स्क्वायर, क्या लगता है आर स्क्वायर, ठीक है ओके। ठीक है तो उसके बाद लेकिन F12 की डायरेक्शन क्या होगी, F12 ये वाला लगा रहा था इसके ऊपर, तो यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, डायरेक्शन कौन सा हो करेगा R21 क्या देख सकते हो F12, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई F12 अपनी तरफ खींचेगा इस कैपिटल M को, पोजीशन वेक्टर कौन सा काम करेगा इधर से इधर वाला ही करेगा, कौन सा R21, ठीक है F12 के लिए R21। लेकिन F12 और R21 में क्या फर्क है कि ये M कैपिटल M से स्मॉल M चल रहा है और ये स्मॉल M से कैपिटल M, तो आप कैसा साइन लेंगे इसमें नेगेटिव। सिमिलरली F21 के लिए भी यही कहानी करनी, फिर दोबारा से GMM ये तो है ही, अपॉन में क्या है R स्क्वायर भी है, बट ये F21 है, F21 कहाँ है, F21 ये कैपिटल M इसके ऊपर दम लगा रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो F21, लेकिन यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा R12 क्या, साइन कैसा होगा, इन दोनों का नेचर कैसा है अपोजिट है, तो ये साइन नेगेटिव लेना, क्या लेना है नेगेटिव, ठीक है कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो अब यहां पर आ जाइए, अब हमारी इस R को भी इस फॉर्म में लेने, इस R को भी इस फॉर्म में लेने, आपको अच्छी तरह से पता है इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है वन, क्या होती है वन, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या ले लो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा R किसके इक्वल आ जाएगा, इसका ये यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा, ऊपर से ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R12, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R12, ठीक है कोई डाउट, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू वन हो जाएगी, ये बचेगा सिर्फ R, इधर से ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा R12, अगर आप नहीं खत्म करोगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आधा अधूरा कि मैंने इसका तो मैग्नीट्यूड ले लिया इसका भी लेना बाकी है, तो R की वैल्यू क्या आ गई R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो आप इसी चीज को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जी एम एम अपॉन इंस्टेड ऑफ R, ये R21 है ऐसे ही जी एम एम अपॉन यहाँ पर क्या था एक मिनट यहाँ पर लिखिए R21 कैप, यहाँ पर लिखिए R12 है, R12 है तो R12 में R वाली वैल्यू ये वाली लिखेंगे आप R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या लिखेंगे R21 क्योंकि यहां पर भी आपने यही कहानी दोहरानी है, क्या लिखेंगे R की वैल्यू क्या आ जाएगी R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो यहां पे लिखेंगे R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म, क्या आ गई वेक्टर। अब इसके बाद इन दोनों में ये चीज आपको पता है R12 कैप इज इक्वल टू क्या होता है यहां पे 21 लगा, ठीक है अब देखिए R12 किसके इक्वल है माइनस आर टू, तो आप या तो इसको चेंज कर लीजिए या फिर आर वन टू की जगह पर यहां पर माइनस आर टू, मर्जी आपकी बोलिए। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, एफ टू वन वेक्टर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस R21 कैप, माइनस R21 कैप,
क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ले रखा है आपने आर वन टू और आर टू वन का, यानी कि या तो इधर से इधर जाइए या इधर से इधर जाइए। अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये माइनस आ जाएगा आपकी तरफ, तो एफ टू वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर वन टू स्क्वायर आर टू वन। ये और ये क्या होंगे, अब एफ वन टू और एफ टू वन क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस वाली वैल्यू को देखिए, यहां पर इसके इक्वल ही आ रही है ये वाली वैल्यू सेम है ना, ये आर टू वन आर वन टू, ठीक है, आर वन टू और आर टू वन मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू तो सेम ही होती है। तो दिस और दिस बोथ आर इक्वल, तो यानी कि आप F21 क्या लिख सकते हो, माइनस F12, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से प्रूफ हो गया, ये तो है वेक्टर फॉर्म किसकी, न्यूटन लॉ की। और इसी के अंदर आपने क्या करा, आपने पोजीशन वेक्टर को लेकर, सॉरी यूनिट वेक्टर को लेकर, जब आपको पता था ये एक दूसरे के अपोजिट है तो आपने वो वैल्यू रखी, तो जो दूसरे वाले की वैल्यू है वो पहले वाले की वैल्यू बन जाती है। R12 की जगह पर क्या आ गया, R21, और ये किसकी वैल्यू बन गई, दूसरे वाले, ठीक है। ये पहले वाली वैल्यू, ये दूसरे वाली वैल्यू, दूसरे में पुट करोगे पहले वाली बन जाएगी, पहले में पुट करोगे तो दूसरी वाली बन जाएगी, लेकिन एक चीज अलग से आ जाएगी, वो क्या आएगी, माइनस। इस माइनस का मतलब क्या है कि दो फोर्स लग रही है और दोनों कैसी है, इक्वल है और साथ में अपोजिट है। तो आप यहां नोट कर लीजिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो ये किसको प्रूव कर दिया साथ में आपने, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहां से पता लगता है जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसको ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। नोट करिए इसको, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, सही मायनों में तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, ये निकालना होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे आप। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, फोर्स पर यूनिट मास, क्या है, फोर्स पर यूनिट मास। उससे पहले स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बता दिया जाए, चलो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एच। सॉल्व करिए, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम, एम से एम कैंसिल, क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड।
ई जी लगा लीजिएगा, क्योंकि प्लस टू में खाली ई से पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे ई जी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन, क्या फोर्स पर यूनिट मास, इसका बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, माइंड में क्या आएगा, एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर क्या हो, ग्रेविटेशन फोर्स लगती हो। मतलब क्या हुआ इसका, ग्रेविटेशन फील्ड का, एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर क्या हो, ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स कब लगती है, जब दो बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो बॉडीज का होना जरूरी नहीं है, एक बॉडी भी है वो भी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बना देती है। और वो एक बॉडी जो ग्रेविटेशन फोर्स बनाती है वो कितना बनाती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, दूसरी बॉडी साथ में हो जाएगी तो वो इसके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर आपको ध्यान हो तो आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला ड्राइव करा था, वो भी इतना ही करा था। फिर आपने साथ में दूसरा एम जबरदस्ती लगाया था उसमें, है ना। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड की जो बात कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। कैसे, सोच कर देखिए, कोई बॉडी है जिसका मास एम, ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडीज को, ना भी करे तो क्या करेगी, फिर भी इसकी अट्रैक्शन तो रहेगी इसके चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जहां तक की बॉडीज को ये अट्रैक्ट कर सके, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो यहाँ पर कोई बॉडी ले ली स्मॉल m, इसकी वैल्यू 1 है, m इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1, यूनिट मास ले लिया इसका, बिल्कुल थोड़ा टेस्ट करने के लिए, टेस्ट मास, सिर्फ टेस्ट करना है। तो क्या होगा, क्या ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यस, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से करेगी। वो फोर्स का फार्मूला क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस बॉडी की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, अगर एम की वैल्यू वन हो गई तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कब, जब एम इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास अगर आप नोट करोगे तो इसकी वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ कौन वर्क करेगा, किसका फार्मूले में किसकी इंपॉर्टेंस होगी, सिर्फ इस टाइप की। तो इस टाइप की फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा क्वेश्चन, अब बात आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आपने समझ लिया इसके चारों तरफ, लेकिन चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सेम नहीं है। ये देखिए, इन दोनों के बीच का गैप कम है, ज्यादा है, देख रहे हो इस चीज को, यहां पर गैप कम है, यहां पर गैप ज्यादा है। तो जहां पर गैप कम होगा वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, यानी कि एफ जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और दूर होगा तो एफ जी की वैल्यू कम होगी। कैसे पता लगा, फार्मूला, वी नो दैट स्मॉल जी लगा लें, स्मॉल जी, ई जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस बॉडी का मास ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, और ज्यादा क्लोज लाइन होंगी। अगर आर की वैल्यू ज्यादा होती गई तो इस बॉडी से दूर होती चली गई है दूसरी बॉडी, या कोई ऐसा पॉइंट जहां पर आपने फोर्स निकालनी, तो क्या होगा, इन दोनों लाइनों के बीच का गैप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो ग्रेविटेशन फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तब यहां से बात पड़ी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक फील्ड है चारों तरफ का, बट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कि आपने किसी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स पता करनी, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। दोबारा से इस डायग्राम को
थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन करते इसको। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक दूसरा मास स्मॉल m, यूनिक एस्ट मास। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड निकाल लो, डिस्टेंस r। तो आपकी वैल्यू क्या होगी ग्रेविटेशन फील्ड की, जी एम अपॉन आर। इसी तरह से एक बॉडी दूसरा मास ये m यहाँ पर है, अब डिस्टेंस r डैश है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जी एम अपॉन आर डैश। अब r और r डैश में से ज्यादा कौन है कम कौन है, आपको ध्यान से देखिए इसको, r कम है और r डैश ज्यादा है, कंपैरिजन कर सकते हो आप डायग्राम। तो अगर r कम है r ज्यादा है तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर, इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा कम कौन होगा, इनइक्वालिटी। आर डैश ज्यादा है तो वन अपॉन आर डैश स्क्वायर क्या होगा, कम हो जाएगा। जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड किसका ज्यादा होगा, इस वाले की ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर दो बॉडी आपस में पास पास है, ठीक है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, अगर दूर दूर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती रहेगी, कम होती चली जाएगी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये इमेजिनरी लाइंस मैंने आपको इसके चारों तरफ दिखाई थी, ये पता है ना इसका, अगर आप इस बॉडी एम से दूर होते हुए चले जाओगे, क्या होते हुए चले जाओगे, दूर होते हुए चले जाओगे, तो इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा और ये वही लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइन नहीं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है बॉडी के ऊपर, ठीक है। और इनके बीच का गैप अगर ज्यादा होता चला जाएगा तो क्या होगा, वीक ग्रेविटेशन फील्ड बनता चला जाएगा। पास आते जाओगे बॉडी के तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड बनता चला जाएगा। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया, फोर्स पर यूनिट मास को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फोर्स और फील्ड को एक तरह से ही आपने पढ़ना है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को यूनिट मास लेकर करना होता है। हालांकि हम बुक के अंदर यूनिट मास की जगह पर हमें कोई मास m दे भी देते हैं तो हम उसको लेकर भी करते हैं फिर वर्क, लेकिन ये यूनिट मास के लिए बनाया गया, ठीक है, यूनिट मास को सोच। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, ओके रोहित सर, सर अनम्यूट कर दीजिए स्टूडेंट को।